सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के 90 डिवाइस के अंदर आप जो है स्मार्ट कॉल शेडिंग यूज कैसे कर सकते हो। स्मार्ट कॉल शेडिंग का भी स्मार्ट ऑप्शन है, आप इससे ऑटोमेटेड किसी की कॉल को रिसीव कर सकते हो। इवन जो भी रिंगटोन सुनाई देती है आप उसको म्यूट कर सकते हो, स्पीकर मोड में अपनी कॉल को डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। अभी चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं ऑप्शंस को इनेबल एंड यूज कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस फोन के अंदर स्मार्ट कॉल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेटिंग्स को ओपन करना होगा, जो हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स इसके अंदर मिलेगी आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। आप एक बार इसको प्रेस करेंगे देन यहाँ पर आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मोशन, या फिर आप स्मार्ट मोशन सेटिंग को सर्च बार में टाइप भी कर सकते हैं, इजिली ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसको एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन अगेन आपको स्मार्ट कॉलिंग करके मिलेगा, इसको प्रेस करना है। एंड मैंने स्मार्ट कॉल को ऑलरेडी अपने फोन के अंदर यूज करके रखा है, एक बार मैं सबको ऑफ कर देता हूँ। अभी स्मार्ट आंसर की बात करते हैं। स्मार्ट आंसर में क्या कि जब भी आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल्स आती है तो अपने फोन को जस्ट अपने ईयर के पास लेके जाना है इस तरह से कुछ, और एक दो सेकंड में ही आपकी जो कॉल होगी ऑटोमेटिक रिसीव हो जाती है। मींस कि आपको कोई भी बटन वगैरह को प्रेस करके कॉल को रिसीव नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन है स्मार्ट स्विचेस, इसमें क्या होता है व्हेन यूजिंग हैंड फ्री कॉलिंग। और यहाँ पर आपको जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने फोन को हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको इसको हैंडसेट मोड में करना है मींस कि हैंड फ्री बंद करना है, तो आप इस ऑप्शन को चेक मार्क कर सकते हो, इस वाले चेकन वाले को। इससे क्या होगा कि काफी लोगों को अगर फोन देते हो डायरेक्टली हैंड फ्री मोड में रहता है फिर भी वो कान के पास ही लेके जाते हैं, तो ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हैंड फ्री मोड से वो हैंडसेट मोड में चला जाएगा, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। स्मार्ट म्यूट का जो ऑप्शन है ये मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। अगर आपके पास रिंगटोन आ रही है, आप किसी ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं जहां पर आपको इरिटेशन नहीं चाहिए मींस कि कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए, इस केस में क्या होता है कि जब भी कॉल आती है आपके पास अपने फोन को उल्टा करके रख दीजिए, आप कवर कर लीजिए फोन को। एंड एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, अपने वॉल्यूम के अप एंड डाउन बटन को भी प्रेस कर सकते हो, आपकी जो रिंगटोन होगी वो म्यूट हो जाएगी, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। हमें वेव टू हैंड फ्री का एक ऑप्शन है फोर्थ नंबर वाला, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। देखो गाइस ये हैंड फ्री करने के लिए आपको अपने फोन को इस तरह से रखना, वेव करना 2 से 4 सेंटीमीटर पे, आपका जो फोन होगा हैंडसेट से वो हैंड फ्री हो जाएगा। बिकॉज जब तक हम इसको वेव करेंगे तब तक हम अपने ऑप्शन से भी इजिली हम हैंड फ्री कर सकते हैं। बट गाइस अगर आपको दिखाना है लोगों को तो यू नो आप इसको एक्सेस कर सकते हो एंड लोगों को दिखा सकते हो कि आपका फोन इस तरह से भी हैंड फ्री हो सकता है। तो स्मार्ट कॉलिंग का ये जो फीचर है चारों मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। जो लास्ट वाला था ये हैंड फ्री मोड वाला, ये थोड़ा सा हमें कम इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज अगर आपको पसंद आता है तो नो डाउट आप उसको ऑन करके यूज कर सकते हैं लोगों को दिखाने उखाने के लिए। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे स्मार्ट कॉल को ऑन एंड यूज कैसे करना है। गाइस पे भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।